जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनी लाडलो, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी कब आने वाली है, और आप सभी ने सुना होगा अभी एक वैकेंसी की घोषणा हुई थी 130,000 पदों पर सीआरपीएफ की तरफ से। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये भी है कि सर इस बार एसएससी जीडी की कितनी पोस्ट आएगी जब अगर सीआरपीएफ में इतनी वैकेंसी है तो, क्योंकि इस बार 130,000 पदों पर जीडी के लिए ये घोषणा हुई थी। आपने देखा भी होगा वो लेटर, उसमें मैंने भी वीडियो बनाए थे और भी आपने वीडियो देखे होंगे। तो इसको लेकर काफी अब बच्चों में उत्साह भी है कि सर यह 130,000 पोस्ट पर सीआरपीएफ में वैकेंसी आएगी या ये वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू आएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स अपनी अलग से जीडी के लिए वैकेंसी नहीं कराता। इनकी जो भी जीडी की वैकेंसी आती है वो किसके माध्यम से आती है, वो एसएससी जीडी के माध्यम से आती है। तो ये कौन सी वैकेंसी कराते हैं, ये वैकेंसी कराते हैं जो इनके ट्रेड होते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, ड्राइवर हो गए, जो भी इनके ट्रेड है उनकी वैकेंसी। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी कब तक आएगी, अगर आपने एसएससी का कैलेंडर देखा होगा, अगर आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके एसएससी का एग्जाम कैलेंडर देखेंगे तो इसमें देखो, अगर आप नीचे तक अगर देखोगे तो इसमें एग्जाम कब तक दिए हुए हैं या अगली वैकेंसी की जो घोषणा है, जैसे दिल्ली पुलिस की मैं आपको बताता हूं इसमें घोषणा की हुई है, कब की हुई है। आप देखिए कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस, इसकी वैकेंसी आएगी 1 सितंबर 2023 को। इसके अलावा इसके फॉर्म कब तक, 30 सितंबर 2023 को। इसका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर का। अगर इस कैलेंडर को हम पूरा देख लें तो लगभग इसमें अक्टूबर तक की घोषणा है, लेकिन उसमें एसएससी जीडी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। तो इसको मानकर बहुत सारे बच्चे ये भी मान लेते हैं कि एसएससी जीडी की फिर अगर कैलेंडर में नहीं है तो वैकेंसी भी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पिछली बार एसएससी जीडी जो अभी वैकेंसी चल रही है इसका भी तो कैलेंडर में नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आनी थी, दिसंबर की इसकी डेट थी कि दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन उससे 3 माह पहले आ गई। कैलेंडर में जो डेटें दी हुई है ना वो सिर्फ संभावित है, और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है ना, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि कैलेंडर में अक्टूबर तक नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली एसएससी जीडी आपकी जुलाई माह में कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी अगली वैकेंसी की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, या उसकी जो भी डेट है वो देखने को मिल जाएगी। कब, जब इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आएगा, जुलाई माह में ये जो वैकेंसी चल रही है खत्म हो जाएगी, और इसके बाद में आपको जुलाई या अगस्त महीने में एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी की घोषणा सुनने को मिल जाएगी। कितने पदों पर रहने वाली है मैं आपको बता दूं कि पदों की अगर आप बात करें तो ये अगली वैकेंसी भी 50,000 से ज्यादा पदों पर ही रहेगी, इससे कम की ये वैकेंसी नहीं रहेगी। काफी बड़ी वैकेंसी रहती है एसएससी जीडी की जैसे इस बार है, ठीक है, तो 50,000 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। और हो सकता है कि पिछली बार की तरह एसएससी जीडी 2021 और 20 जो आई थी वो भी अक्टूबर में थी नवंबर में, और अभी जो 21 आई है, जो 22 वैकेंसी आई है ये भी अक्टूबर में थी, और हो सकता है कि अगली वैकेंसी 2023 में आए ये भी आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिले। तो आज जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं अभी से, उनको मैं बता दूं आपको इंतजार नहीं करना। अगर आप एसएससी जीडी टारगेट मान रखे हो तो ये वैकेंसी आपको अक्टूबर नवंबर में 100% देखने को मिलेगी। आज से ही अपनी कमर टाइट कर लीजिए और इस वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। कैलेंडर में इसका नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैकेंसी नहीं आएगी। इसमें कई बार ऐसा होता है कैलेंडर और भी आगे जारी होंगे, और अगला जो कैलेंडर आएगा इसका उसमें 100% आपका नाम मिल जाएगा। जबकि इसमें कॉन्स्टेबल जीडी ये जो पिछली है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर इसकी डेट थी, और जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम था। ये साल खत्म होते ही अगली वैकेंसी की घोषणा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। लाडलो, जय हिंद जय भारत।